अभी जस्ट कट के आई, अभी जस्ट कट के, ये देखो है। ये लूटी है, ये देखो काइट, देखो आप किसान एक था जिंदाबाद, क्या काइट है यार, नाइस। पंजाबी विच लिखा वीर जी, पंजाबी च किसान एकता जिंदाबाद। हेलो गाइस, कैसे हो? होप सो आप सब बढ़िया होगे। आज संडे है और ऊपर से आज 15 अगस्त भी है, तो पतंग उड़ाने की पूरी तैयारी है। कोई भी नहीं है, ना आज बड़े भाई हैं, ना आज निखिल है, आज अकेला मैं ही हूँ। सो प्रिपरेशन ऐसी है, पतंगे वतंगे सारी में ले आया था और उड़ाएंगे अकेले, और अकेले ही आई वो बोलेंगे। और कुछ हमारी छत पे भी ना लूटी हुई पतंगे आई पड़ी हैं, पहले उसको उड़ाएंगे, फिर मैं अपनी पतंग उड़ाऊंगा। ओए 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 भाई साहब, ये देखो फाइनली मुझे एक पतंग अपनी सबसे कटी मिल गई है। वो लाना भाई, तू ना जा, तू ना जा, तो बगैर मिट्टी लगाई और देखो कहीं मिले जाए मुझे और कहीं छुट्टी लगाई। ओ माय गॉड, आज तो लॉटरी लगी, आज तो लॉटरी और लाई फटी हुई। चलो इसको चिपका के ना उड़ाएंगे। अब दिक्कत ये हो गई है, मैं कैमरा पकड़ूंगा या पतंग उड़ाऊंगा, ट्राई करता हूँ साथ साथ अगर कुछ हो सके। गाइस, इतनी देर की मशक्कत के बाद ना पतंग गई हमारी ओढ़। वो आपको ऊपर दिख रही है ब्लू ब्लू? हाँ, वो ब्लू ब्लू वाली पतंग हमारी है, ऐसे दिख रही है। ओए गाइस, एक और पतंग आ गई, पता नहीं कहाँ से आई है, कितनी जबरदस्त पतंग आई है भाई। मेरे को लग रहा है पतंगे लेके नहीं आनी चाहिए मेरे को, मेरे तो छत भी बड़ी पतंगे आ रही हैं, तीसरी चौथी पतंग है वाली। अब इसको पहले कलेक्ट करता हूँ, फिर आता हूँ दूसरा कंटिन्यू करता हूँ। आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, इतने दिन से पतंग उड़ाई नहीं थी और मैंने पहली पतंग उड़ाई है, मेरा हाथ इतना दर्द करने लग गया ना, मैंने एक नया काम किया है। तो मैंने ना अपनी पतंग उड़ रही है, ऊपर मेरी ब्लू वाली पतंग अभी भी, क्योंकि आसपास के पतंग ले जिससे मैं पीछे पीछे चढ़ाऊँ। तो मैंने ना पतंग अपनी इससे बांध ली है, अपनी पतंग बांध ली है इससे, दिख रहा है आपको इससे बांध दी और वो पतंग अपना भी उड़ रही है। एक ये टास्क सबसे बड़ा होता है यार, सीरियसली, एक हाथ में पतंग पकड़ के एक हाथ से कैमरा पकड़ना। ओ भाई साहब, ऊपर से कोई सपोर्ट नहीं, मेरे पास ट्राइपॉड है नहीं जिससे मैं लगा के वो लगा के कर दूँ, वो मेरी पतंग नहीं लगी, पतंग नहीं पतंग। अभी पता क्या हुआ, दो पतंगे कट की जा रही थी, मैंने सोचा इसको ना मैं लपेट लेता हूँ, तो क्या हुआ लपेटने के चक्कर में ना वो कटी पतंग ने मेरी काट दी और मेरी सारी की सारी पतंग चली गई आगे, सॉरी सॉरी, जितनी भी मेरी जितना भी मांझा था ना सारा साथ चला गया। क्या यार, क्यों हुआ? हाँ जी गाइस, पहुँच गए फाइनली हम ऊपर दोबारा, क्योंकि गर्मी लग रही थी मुझे बहुत ज़्यादा, फिर मैंने पिया ग्लूकोज का गिलास। और मैं बड़े भाई को ढूंढ रहा था, आपको पता बड़े भाई मेरे को कहाँ मिले? बताऊँ कहाँ मिले मेरे को बड़े भाई? आपको दिखाता हूँ मेरे को बड़े भाई, ये देखो बड़े भाई, ये रहे हमारे बड़े भाई। मेरी मत बनाइयो भाई, कैसे हो? मेरी मत बनाइयो गाइस, हमने पतंग लूटी नहीं थी वो ब्लैक वाली, वो वाली, वो काइट मिली इनके हाथ में। बड़े भाई शक्ल दिखाओ, अरे ये उड़ गई काइट हमारी। गाइस आप सबको बताते हुए बड़ी शर्मिंदगी हो रही है कि मैंने ना अभी तक 6 पतंगे उड़ाई हैं, 6 की 6 कटवा ली है मैंने, कह तो रहा हूँ 6 पतंगे उड़ाई थी, 6 की 6 कटवाई हैं। अचीवमेंट है मेरा आज का, अब सद्दी से उड़ा रहे हैं, मांझा हो गया खत्म। अब मैं बाहर मार्केट जाऊँगा और मांझा लेके आता हूँ थोड़ा और। गाइस छोटे होते थे पता नहीं कैसे पूरा पूरा दिन पतंगे उड़ा लेते थे, पूरे पूरे दिन लग रहा ना मम्मी से पैसे लेने कि मम्मी पैसे दे दो पतंगे लेके आनी है, पतंगे लेके आते पूरे दिन पतंगे उड़ाई जानी, ना रोटी का पता होता था ना खाने पीने का पता होता था। आज सच्ची बता रहा हूँ पतंगे उड़ाई हैं, मेरा तो सांस फूलने लग गया इतने में ही, 5-6 पतंगे उड़ाई होंगी इसी में मेरे सांस फूल गए। मैं कहा यार भाई साहब उड़ा कैसे लेते हैं? अब तो मिरेकल सा लगता है कि बचपन में मैं खुद ही की बात कर रहा हूँ कि कैसे उड़ा लेता था पतंगे, अब स्टैमिना ही रोज़ उड़ाने के लिए पतंगे। बचपन में पता नहीं कैसे पूरे दिन पतंगे उड़ा लेते थे, मैं तो भी पूरा दिन पतंगे। देखो नहीं, अब 6 पतंगे उड़ाई हैं, इनका अलग चल रहा है, इनका अलग ही ब्लॉग चल रहा है, इनका अलग ब्लॉग चल रहा है भाई का तो। पर एक चीज़ है, आज ब्लॉग
पसंद आए या ना आए देख लेना। आज बस ऐसे मैंने मस्ती में डाल दिया ब्लॉग, कोई प्लान नहीं था, कोई कुछ नहीं था कि आज मैं कुछ वीडियो बनाऊंगा। मतलब जस्ट ऐसे ही मूड सा कर रहा था, मैं कहा चल आज कुछ यूनिक सा हो जाएगा, आज ब्लॉग निकाल दूंगा। आई थिंक ये ब्लॉग भी थोड़ा छोटा आने वाला है, क्यों भाई? मैं क्या, हमारा कोई प्लान नहीं था आज ब्लॉग का वैसे कुछ। ब्लॉग छोटा मांझा लंबा है। लपेटे जा रहे कसम ही नहीं हो रहा। पर एक बात है, 15 अगस्त जो असली मज़ा आता है ना 5:30 बजे के बाद होता है, क्योंकि धूप चली जाती है और मौसम होता है अच्छा खुला हुआ एकदम बढ़िया। गाइस यहाँ लग गए पेचे छत टू छत, बड़े भाई की अलग उड़ रही है पतंग, मेरी उड़ रही है अलग। यहाँ हो गया घमासान बहुत तगड़े वाला, और अब जोरों शोरों पे है क्योंकि 6:30 या 7 बजे का टाइम है, आई थिंक टाइम हुआ 1 घंटा हो रहा है 15 अगस्त पतंग उड़ाने का, तो अब टाइम आएगा पतंगे लूटने का। और देखो भाई साहब ने पूरे की पूरे आई थिंक चरगड़ी लव पकड़ लिया है, मैं आई थिंक आपको दिखा पाऊँ लिटरली थोड़ा सा। ये हाँ वो दिख रही छोटी सी पतंग, हमने पूरी लूटी है पूरी की पूरी मांझे समेत। जो में लूटी नहीं आई है, लूटने कहते हैं भाई इसको। नहीं नहीं लूटना होता है वो झाड़ लेके लूट, वो भूत जा रहा भूत भाई, लपेट लो इसको भी, ये काटना दे मांझा। गाइस आपको एक काइट दिखानी है मेरे को, मुझे सीरियसली वो काइट इतनी पसंद आई ना, इतनी ज्यादा पसंद आई, अभी जस्ट कट के आई, अभी जस्ट कट के। ये देखो ये लूटी है, ये देखो काइट देखो आप, किसान एक था जिंदाबाद, क्या काइट है यार, नाइस। पंजाबी विच लिखा वीर जी, पंजाबी च किसान एकता जिंदाबाद, वेरी नाइस। देखो मेरी टी शर्ट से मैच कर रही है, है ना मैचिंग मैचिंग। चलो अब इसको आई थिंक इसको उड़ाऊंगा नहीं, इसको मैं रखूंगा अपने पास। ये ना गाइस ये वाला सबसे बेस्ट टाइम होता है पतंग उड़ाने का, क्योंकि इसमें लूटने में और कटवाने में सबसे ज़्यादा मजा आती है, जितनी काटो उतनी आ जाती है छत पे, क्योंकि इस टाइम पतंग भाई पतंग। हाँ ओ कट भाई, वो देखो पीछे पतंगे आ रही है, 4 कट के मैं पकड़ता हूँ उसको। ए इधर आ जा ना, नहीं तो उधर मत जा, अरे सब खराब हो जाएगा भाई, इधर आ जा। गाइस सच्ची बताऊँ हालत ख़राब हो गई है पतंगे उड़ा उड़ा के आज। अब मुझे कल पता लगेगा कि मेरे कौन कौन से पहाड़ में दर्द हो रही है, क्योंकि आज इतनी पतंगे उड़ा ली ना, और लिटरली मैंने आज एक भी पतंग नहीं काटी है, सारी की सारी कटवाई हैं, अच्छी खासी कटवाई हैं। और वो आपको बैकग्राउंड में म्यूज़िक आ रहा होगा एकस करके, वो चलता रहेगा अगर मैं घर पे किसी कभी भी ब्लॉग बनाऊंगा ना, वो पीछे चलता रहेगा, वो कंटिन्यूसली चलता रहेगा। भाई आगे का मांझा कहाँ है गाइस? आज के जो क्लोथ्स के हमारे आज के जो क्लोथ हमारी जो कपड़ों के जो स्पॉन्सरशिप है ना, वो हमारी खुद की है। और वो दोबारा मैं बता देता हूँ कि आज का ब्लॉग डालने का मेरा कुछ मोटिव नहीं था, कुछ ऐसा नहीं था, आज बस ऐसे एंटरटेनमेंट के लिए मैंने डाला था, मैं कहा चलो कुछ ना कुछ तो मैं डाल देता हूँ, तो सो डाल दिया। होप सो आपको ये सब ये ब्लॉग भी अच्छा लगेगा, और आई थिंक अब टाइम भी थोड़ा अंधेरा सा होता जा रहा है, मैं भी अच्छे तरीके से थक गया हूँ, अजीब लग रहे हैं कि अच्छा वो मेरे पे हंस रहे हैं मेरे घर वाले, पता नहीं क्यों ऐसे हंस रहे हैं। ठीक है सो आपसे फिर अब अगली लोकेशन क्या कहूँगा, घर पे तो ब्लॉग बनेंगे नहीं, आज बना दिया मैंने, सो आपसे जल्दी ही मुलाकात होगी नई लोकेशन पे, नई जगह। जो जब तक के लिए, और आपसे ये भी बताना कि आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा है सोलो वॉल, क्योंकि आई थिंक मेरा पहला सोलो ब्लॉग है, तो जैसा भी मुझे बोलेगा, क्योंकि पहले भी बताया था मुझे बोलने में ना बड़ी ज़्यादा शर्माहट आती है, बहुत ज़्यादा। अब जैसे करके मैंने ब्लॉग निकाल दिया, आप जैसा भी आप देख लेना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और कमेंट कर देना। और फाइनली पतंगे मैंने नहीं काटी हैं आज, मैंने उल्टा कटवाई हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।